દમણ પોલીસ દ્વારા માર્ગ સલામતી સપ્તાહની ઉજવણીના ભાગરૂપે પ્રજાને ટ્રાફિક નિયમોની જાણકારી મળે તે માટે બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દમણ પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સથી નીકળેલી આ બાઇક રેલીને મુખ્ય વન સંરક્ષણ કે રવિન્દ્ર ચંદ્રને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. રાષ્ટ્રીય માર્ગ સુરક્ષા સપ્તાહની ઉજવણી અંતર્ગત જનજાગૃતિ માટેની બાઇક રેલીના કાર્યક્રમમાં પોલીસ અધિક્ષક સેજ કુરુવેલા, SDPO રવિન્દ્ર શર્મા, HHO પંકેશ ટંડેલ તથા PI સબાસ્ટ્રિયન દેવસિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ રેલીમાં પોલીસ અને RIB પોસ્ટગાર્ડ, ફોરેસ્ટ હોમગાર્ડ અને ફાયર બ્રિગેડના જવાનો જોડાયા હતા. દમણ પોલીસ રોડ સેફ્ટી વીક સેલિબ્રેટ કર રહે હૈ. ये पूरा हफ्ते में हम अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया है. तो हम लोग इसमें एक मोटरसाइकिल रैली के साथ आज सुबह ये वीक का सेलिब्रेशन शुरू किया है, रोड सेफ्टी वीक. तो आज का प्रोग्राम में अराउंड 100 से ज़्यादा बाइक पार्टिसिपेट किया है. इसमें कोस्ट गार्ड, IRBN, फायर, फॉरेस्ट, होमगार्ड और पुलिस का जवान मौजूद है. हम लोग पूरा दमन का चक्कर काटेगा, पूरा सभी टाउन एरिया में, मोटे दमन, नानी दमन और कितना भी गांव है, सब जगह पूरा हम अपना मैसेज पहुंचा देगा. जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिक मैसेजेस हम सब के इसमें पहुंचा रहे हैं. हेलमेट पहनने के लिए, सीट बेल्ट पहनने का, ट्रिपल राइडिंग ना करना, ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं करना, सिमिलरली मोबाइल ले करके गाड़ी नहीं चलाना मोबाइल में बात करके. तो ये मैसेज पहुँचाना ये हफ्ते का मेन उद्देश्य है. तो ये बाइक रैली के बाद आज शाम को हम लोग एक नया गेम दमन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रिस्बी गेम, दमन अल्टीमेट बोल करके. तो इस गेम से दौरान हम लोग बच्चों से थ्रू हम अपना ट्रैफिक अवेयरनेस वाला बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. तो पूरा एक हफ्ते का एक चैम्पियनशिप चलेगा. तो पहले 3 दिन कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है और उसके बाद 3 दिन का ये टूर्नामेंट चलेगा. उसके अलावा अलग अलग दिन हम लोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया है. इसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी प्रोग्राम में शामिल है, एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया है बच्चों के लिए. उसके अलावा सरकारी गाड़ियों का, ड्राइवर्स का मेडिकल चेकअप, उनका गाड़ियों का फिटनेस का चेकिंग, और सिमिलरली हम लोग रोड पर खड़ा होकर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ लोगों को हम फ्लावर्स भी देगा. हम उनको कितना भी ऑफेंडर्स है तो उनको समझाने के लिए. तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम ये पूरा हफ्ता आयोजित किया हुआ है. धन्यवाद. ये जो बाइक रैली है कहाँ जाएंगे? ये बाइक रैली अभी पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू करके हम पातलिया साइड जाएगा पहले, और उधर से भीमबोर, देवका से होते हुए हम 3 बत्ती 4 रास्ता, नैनी दमन जट्टी होकर के बस स्टैंड, और उधर से फिर मोटी दमन साइड जाएगा, उधर से जम्बोर जाएगा, और फिर कोस्टल हाईवे लेकर के उधर से फिर जहरी कच्चीगाम होकर के सोमनाथ पहुंचेगा, और उधर से डाबेल एरिया कवर करके फिर इंडस्ट्रियल एरिया पूरा कवर करके फिर हम मशाल चौक होते हुए वापस पुलिस हेडक्वार्टर आएगा.